दिशा सालियान के मर्डर में या फिर मर्डर से संबंध में एक व्यक्ति का नाम है, वो है आदित्य ठाकरे। सुशांत दिशा केस को लेकर कहा जा रहा था कि सबूत मिटा दिए गए होंगे, सबूत क्या सीसीटीवी फुटेज जो थी वो भी डिलीट कर दी गई होगी। ऐसे कई सारी बातें हमने सोशल मीडिया के माध्यम से और बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया के माध्यम से सुनी होगी, पर अगर आपको ये पता लगे कि नहीं, इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी होगी सामने और बड़े बड़े सबूत भी होंगे सामने जो क्लियर कट कहते हैं गलत हुआ था, तो आपको कैसा लगेगा? आज ऐसी ही बात एक बड़े एडवोकेट और जज साहब ने बोली है। कौन है वो बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको बता दिया जाए, हाल ही में जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हुई तो वहाँ पर एक बड़े जज साहब थे, शायद निखिल ओझा जी उनका नाम था, जिन्होंने कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की चर्चा करते हुए ये बता दिया कि बड़े ऑफिसर ने जब ये बात सामने रखी कि भैया इस मामले में गलत हुआ, और उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और बोली थी, वो क्या थी, एक बार आप खुद सुन लीजिए। चाहे जो मेनस्ट्रीम मीडिया में है, न्यूज 18, रिपब्लिकन भारत और न्यूज एक्स से लेकर यूट्यूबर तक, और वो सारे न्याय के मतलब न्याय दिलवाने के लिए झगड़ने वाले एस एस आर वॉरियर्स जो भी है, जिनके ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे जो जो उन्होंने अपने छोटे छोटे मैसेज के जरिए इस मुद्दे में कई महत्वपूर्ण लीड दिए, और एक मैंने कहा मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीनियर ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर इस देश के, जो सुशांत सिंह से रिलेटेड केस की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने इतना महत्वपूर्ण एविडेंस दिया है, कोई सेकंड थॉट नहीं है कि दिशा सालियान का गैंगरेप मर्डर हुआ था। एमएलए विधायक श्री नितेश राणे, मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री नारायण राणे, इन्होंने भी पहले भी दिए और लेटेस्ट अभी एक महीना पहले का उनका वीडियो है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सारे आरोपों के सारे सबूत सारे तार एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, दिशा सालियान के मर्डर में या फिर मर्डर से संबंध में एक व्यक्ति का नाम है, वो है आदित्य ठाकरे। इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, मुझे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर शॉर्ट में अपना जजमेंट दूंगा, डिटेल जजमेंट वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, आज मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा, डिटेल जजमेंट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों केस का कनेक्शन एक कॉमन थ्रेड जो है, जो नारायण राणे जी ने भी कहा और लिंक्स बताते हैं, तो उसके ऊपर बोलने से पहले मैंने सबसे पहले सारी पॉसिबिलिटी रूल आउट करने का मैं ओपिनियन देना चाहता हूं कि इसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सुसाइड है। पूरा देश सुन ले, उस अधिकारी ने मुझे पर्सनली बताया दिशा सालियान का जिस समय मर्डर हुआ उस समय वहां पर आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन था। अब ये जिम्मेदारी सीबीआई की है कि वो तुरंत जैसा दूसरे आरोपी के साथ व्यवहार करती है वैसा ही व्यवहार यहां पर करे। सीबीआई अपने आप को बॉस ना समझे, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, सेवक की तरह रहने का, अच्छा काम करो हमारा सैल्यूट है आपको, गलत काम करोगे जेल में जाओगे, और ये पहली बार नहीं है। अनिल देशमुख के केस में सीबीआई ने खुद के अधिकारी को अरेस्ट किया था, अभी हाल ही में ईडी ने खुद अपने ईडी के अधिकारी को अरेस्ट किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉब्लम ऐसा है कि सुशांत सिंह के जो चाहने वाले थे, जो आम जनता थी, उनको बेचारों को लॉ पता नहीं था, वो सिर्फ एक बात उनको पता थी, ये जो चल रहा है ये पंचतंत्र की स्टोरी है, ये सुसाइड हुआ ऐसा हुआ हुआ उनको क्लियर दिख रहा था, लेकिन उनको लॉ की सही दिशा नहीं थी, और इसमें कुछ हद तक कोर्ट की भी गलती है। कोर्ट इतना पूरे देश भर में माहौल शुरू था, इसी ना हाईकोर्ट ने ना सुप्रीम कोर्ट ने कभी सुप्रीम कोर्ट को कॉन्फिडेंस नहीं लिया, तो ये
सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का भी एक्ट ऑफ ओमिशन है प्राइमा फैसी, वो भी इस मामले में गलत है, वो भी आरोपी है। सोचिए इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, तो लोग हक्के बक्के रह गए कि आखिरकार बड़े बड़े लोगों के नाम लिए गए, यहाँ तक कि नेता हो या बॉलीवुड के लोग हों, सबके नाम खुल के लिए जा रहे हैं सामने। तो सवाल तो यही उठेगा कि आखिरकार इतने बड़े प्रूफ सामने होने के बावजूद इस पूरे मामले में क्यों बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, क्यों बड़ा एक्शन नहीं होता हुआ दिखाई दिया? क्या पावर की ताकत इतनी होती है कि सोचिए गलत करने वालों को भी इतनी अच्छी तरीके से बचा लिया जाता है? ऐसे सवाल सिर्फ मैं नहीं, ऐसे सवाल आज पूरा देश पूछ रहा होगा। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आम जनता ये सवाल उठा रही है, सवाल ये है कि जब बड़े बड़े लोग खुद ये जब सवाल उठा रहे हैं, खुद ये बात अपने मुंह से बोल रहे हैं, और उनकी वीडियो इसीलिए आपके सामने रखी जा रही है कि आप ये ना सोचें कि हम कुछ बोल रहे हैं, जब पीछे से ये बड़ी बातें खुद बड़े एडवोकेट हों, बड़े जज हों, बड़े पॉलिटिशियंस हों, जब वो खुद ये बातें बोल सकते हैं तो उनकी बातें आपके सामने रखनी ज़रूरी है। तो आप खुद सोचिए कि आखिरकार क्या सही में ऐसा कुछ हुआ था, और ऐसा कुछ हुआ था तो क्या सही में ऐसा कुछ किया गया होगा, और किया गया होगा तो क्या ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा या फिर ये मामला स्लो डेथ की ओर चला जाएगा? ऐसा अभी हाल ही में आपको याद होगा कि स्टेटमेंट निकल के आया था 14 जून को उनके जो फैमिली लॉयर थे सुशांत के, विकास सिंह जी, उनका, जिन्होंने कहा था कि सीबीआई पूरे मामले को स्लो डेथ की ओर लेकर जा रही है, मतलब इस पूरे मामले में जांच चलती रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगी कभी, और चलते चलते ये मामला एक दिन रुक जाएगा, लोग भूल जाएंगे और उसको स्लो डेथ कहते हैं। पर क्या ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये मामला इतना एक्टिव दोबारा से ना होता, और इतना एक्टिव होने का साफ यहाँ पर दिखाई देता है एक ही चीज़ कि मामला इतना एक्टिव हो चुका है, तो इसका मतलब बहुत सारी बातें हैं जो अभी सामने निकल के आनी बाकी हैं। तो क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिए, हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल सागर बुला रिव्यू के साथ में जुड़ जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें भी कई नई वीडियोज आने वाली है। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।